जो पुराना ब्रिज था वो 1940 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और इसको अभी 107 साल के आसपास हो गया है। प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रिज हमारे सी के ऊपर बनाया गया है, इसके कारण यहाँ पर रेट ऑफ क्रोजन बहुत ज़्यादा है। तो जो पुराना ब्रिज है उसमें 146 स्पैन है और जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये सर्जर, इसको बोलते हैं सर्जर स्पैन, ये सर्जर ने डिज़ाइन किया था, शिकागो की एक एजेंसी थी, सर्जर इंजीनियर का नाम है। और जो नया ब्रिज है उसमें टोटल 100 स्पैन है और जो मिडिल स्पैन है जहाँ पे जिसे नेविगेशन चैनल के ऊपर जो बन रहा है उसकी लंबाई टोटल 75 मीटर है।